भारत में काफी जद्दोजहद के बाद रिलीज हुई विवादित फिल्म पद्मावत को अब इस्लाम की संवेदनशीलताओं की चिंताओं के मद्देनजर मलेशिया के सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने से रोक दिया गया है। मलेशिया के नेशनल फिल्म सेंसर बोर्ड ने फिल्मकार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत की देश में रिलीज पर रोक लगा दी है। वेबसाइट variety.com की रिपोर्ट के मुताबिक LPF के अध्यक्ष मोहम्मद जामबेरी अब्दुल अजीज ने एक बयान में कहा कि फिल्म की कहानी अपने आप में चिंता का एक बड़ा विषय है, क्योंकि मलेशिया एक मुस्लिम बहुल मुल्क है। अजीज ने कहा, फिल्म की कहानी इस्लाम की संवेदनशीलता को छूती है। यह अपने आप में मलेशिया एक मुस्लिम बहुल मुल्क में एक बड़ी चिंता का विषय है। 16वीं सदी के कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत पर आधारित इस फिल्म का देश में राजपूत करणी सेना ने ऐतिहासिक तथ्यों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए काफी विरोध किया था। रिलीज के बाद फिल्म की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। कुछ वर्गों द्वारा जौहर का महिमामंडन करने और अलाउद्दीन खिलजी को राक्षस जैसा क्रूर व्यवहार करते दिखाए जाने पर फिल्म की आलोचना की गई है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।